Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video lecture we are going to do some question on string. So let's get started. Okay. तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है हमारा रिवर्स स्ट्रिंग. इससे पहले वाली वीडियो में, इससे जिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रिंग क्या होता है, करेक्टर एरे किसे कहते हैं, 2D करेक्टर एरे किसे कहते हैं, आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया था कि हाँ भाई स्ट्रिंग किसको कहते हैं. उसमें मैंने कोई क्वेश्चंस कराया नहीं था आई थिंक, और हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है ना. लेकिन मैंने आपको बेसिक सारी चीजें उसमें बता दी थी कि स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे किसको कहते हैं, क्या क्या डिफरेंस है. तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कैरेक्टर एरे में क्या होता है, साइज फिक्स होता है, कैसे कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, सारी चीजें मैंने उसमें बता दी थी, ठीक है. तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमें एक क्या करना है, क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग. So you are given a string that is s, you need to reverse the string. तो इसमें करना क्या, बेसिकली कुछ भी नहीं करना. हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जो क्या है, geeks, GEEKS. तो इसको जस्ट अगर आप रिवर्स करोगे, यानी कि रिवर्स करके लिखोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ऐसा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ऐसे लिख रहे हो ना, s k e e g. ये तो सिंपल है, रिवर्स करोगे किसी भी चीज को. जैसे मेरा नाम क्या है, एप्पल लिखा आपने, एप्पल, इसको रिवर्स करोगे क्या आएगा, सबसे पहले e आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर A. इतना तो सबको पता है रिवर्स करके, ठीक है. जैसे हमारे पास एक 4 है, इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, पहले R फिर O फिर F. तो इतना सिंपल सबको पता है कि रिवर्स करके क्या क्या आ जाता है, ठीक है. तो इसकी क्या अप्रोच हो सकती है, अप्रोच कुछ भी नहीं यार, दो अप्रोच होती है इसकी. सिंपल सी बात है, हमारे पास एक मैं इसका साइज ले लेता हूँ एन. ये क्या है, स्ट्रिंग का साइज है, str.size. ये क्या है, स्ट्रिंग का साइज है, स्ट्रिंग का साइज है. तो फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है मेरी, इस क्वेश्चन को करने की फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है, फर्स्ट अप्रोच. तो फर्स्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट अप्रोच ये हो सकता है कि हम पीछे से ट्रेवर्स कर देंगे और प्रिंट कर देंगे. कैसे, पीछे से ट्रेवर्स का मतलब क्या है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, फोर लूप लगा रहा हूं मैं, फोर लूप कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फोर इंट आई कहां से, मैं स्टार्ट कर रहा हूं एन से, एन माइनस वन से, ठीक है. कब तक जा रहा हूं, जब कब तक जा रहा हूं, आई इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक जीरो है, ठीक है, फिर आई माइनस माइनस. और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैंने लिया, एक मेरा स्ट्रिंग आंसर, उसमें आंसर डॉट पुश बैक, एक अप्रोच आंसर डॉट पुश बैक और s of i. यार पहली बात ये, मैं आपको वो वाला अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद ये वाला अप्रोच बताऊंगा, ठीक है ना. ये तो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, जो मेन अप्रोच है जो हम इसको करेंगे, क्वेश्चन को हम करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच से, ठीक है ना. तो टू पॉइंटर अप्रोच से हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ. तो हमें क्या करना है, रिवर्स स्ट्रिंग करना है. बहुत सही, हमारे पास एक स्ट्रिंग है geeks, GEEKS. तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी, इसका साइज क्या है, फाइव है, क्योंकि फाइव कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हैं, ठीक है. इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगी, जीरो पे जी है, वन पे ई है, टू पे ई है, थ्री पे के है और फोर पे एस है. इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, पहले एस आ जाएगा, देन के, देन ई, देन ई, फिर जी. अपने टू पॉइंटर अप्रोच से करना है इसको सॉल्व. कैसे, पहले लो रखा मैंने इंडेक्स जीरो पे, विच मीन्स वो अभी इंडेक्स जीरो पे जहां जी स्टोर है. हाई रखा लास्ट इंडेक्स पे, विच मीन्स साइज माइनस वन. जैसे इसका स्ट्रिंग का साइज क्या है, फाइव, फाइव माइनस वन फोर, तो क्या हो जाएगा, फोर पे रखा हुआ है जहां एस स्टोर है, ठीक है. तो कुछ भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, इस सिंपल सा लॉजिक ये है टू पॉइंटर अप्रोच का. मैं ये कह रहा हूं वाइल, ये मैं हटा लेता हूं ये, और ये भी मैं ये कह रहा हूं कि वाइल, जब तक वाइल मेरा, जब तक लो जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक मेरा लो जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक क्या होता रहेगा, स्वैप करते रहो. किसको स्वैप करो, एस ऑफ लो को स्वैप करो, किससे, एस ऑफ हाई को, एस ऑफ हाई से, ठीक है, एस ऑफ हाई से स्वैप करते रहो. ये ऐसा आएगा, स्वैप कर दो किसको, एस ऑफ लो को और एस ऑफ हाई को, ठीक है, समझ गए. और लो को क्या करते रहो, लो को प्लस प्लस करते रहो, और हाई को क्या करते रहो, माइनस माइनस करते रहो. उसके बाद जब ये कंडीशन आ जाएगी कि लो जो है हाई से बड़ा हो गया, आप बाहर आ जाओगे वाइल लूप से, और आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होके आ जाएगा. कैसे, अब देखते हैं कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं. सबसे पहले क्या है हमारा, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो क्या है हमारा, लो है जीरो, मैं यहां लिख देता हूं, लो क्या है हमारा, लो क्या है जीरो, और हाई क्या है, हाई जो है हमारा फोर है, हाई क्या है फोर है. तो जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, यस बिल्कुल सही है. तो स्वैप कर दो, एस स्वैप, एस ऑफ लो, एस ऑफ हाई, विच मीन्स एस ऑफ लो पे क्या है, जी है, एस ऑफ जी पे क्या है, एस लो, एस ऑफ लो पे क्या है, लो क्या है, जीरो है, एस ऑफ जीरो क्या है आपका, मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, और एस ऑफ लो, लो क्या है, जीरो पे, एस ऑफ जीरो पे क्या स्टोर है, एस ऑफ जीरो पे क्या स्टोर है, जी स्टोर है, ठीक है, और एस ऑफ हाई, हाई क्या है आपका, फोर है, तो एस ऑफ फोर पे क्या स्टोर है, एस है. तो इसको क्या करना है, हमें स्वैप करना है ना,
स्वैप करना है, विच मीन्स जी की जगह क्या जाएगा, ऐसा जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी की जगह क्या जाएगा, मैं रेड पेन से मैं ये, तो जी की जगह क्या जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। और एस की जगह क्या जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, लो को तो इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि एक बढ़ा दो, तो लो पहले यहां पर था, यहां से कट के क्या जाएगा, लो अब आ जाएगा यहाँ पर, लो अब आ जाएगा यहाँ पर, लो आ जाएगा यहाँ पर, यानी लो आ जाएगा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू अब हो गई 1, ठीक है। और हाई क्या हो जाएगा, हाई डिक्रीमेंट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये वाले में, तो हाई यहाँ से कट के कहाँ जाएगा, हाई आ जाएगा यहाँ पर, हाई आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा एच, ये आ जाएगा एच, एच जो कि क्या है, 3 पे, एच किस पे, 3 पे। उसके बाद फिर से हमने चेक करा, फिर से हमने चेक करा कि वाइल लो, मैं दोबारा से लिखता हूँ, वाइल, फिर से हमने चेक करा कि वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो किस पे, लो है 1 पे, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, हाई किस पे चला गया, 3, तो 1 जो है 3 से छोटा या बराबर है, हाँ जी 1 जो 3 से छोटा है, तो क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे एस ऑफ लो, तो एस ऑफ लो क्या है अभी, एस ऑफ लो क्या है, एस ऑफ 1, एस ऑफ 1 पे क्या स्टोर है, आपने देखा एस ऑफ 1 पे स्टोर है ई, ठीक है। और एस ऑफ हाई, हाई क्या है, हाई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एस ऑफ 3 पे क्या स्टोर है अभी, एस ऑफ 3 पे क्या स्टोर है, एस ऑफ 3 पे स्टोर है के, तो E की प्लेस पे किया जाएगा और K की प्लेस पे आ जाएगा, एंड देन हाई लो प्लस प्लस हो जाएगा, हाई माइनस माइनस, क्या कह रहा हूँ, ये क्या था, एस ऑफ 1 पे क्या रखा हुआ E, एस ऑफ 3 पे क्या रखा हुआ K, तो E की प्लेस पे आ जाएगा K, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं E की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा K, ठीक है, और K की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना लो प्लस प्लस हाई माइनस माइनस, तो लो पहले यहाँ पर था, लो पहले यहाँ पर था, लो पहले यहाँ 1 पे था, अब यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा 2 पे, ठीक है। उसके बाद हाई माइनस माइनस, हाई पहले 3 पे था, अब हाई कहां पर आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने चेक करा, फिर से हमने चेक करा, फिर से हमने चेक करा, हम क्या कह रहे हैं, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू, तो लो किस पे, 2 पे है, लेस देन इक्वल्स टू, बट हाई भी 2 पे है, तो लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 से छोटा है बराबर है, हाँ बराबर है, तो क्या हो जाएगा, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो एस लो को और स्वैप हाई को, तो एस लो क्या है, एस 2 पे भी है और एस हाई क्या है, एस 2 है, तो S of low क्या है, S2 है, जिस जहां पर क्या स्टोर है, E है, ठीक है। सेम वही S of high है, high क्या है, 2 है, जहां E स्टोर है, तो E को E से क्या करोगे, स्वैप, तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, E को E से स्वैप करोगे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो E को E से कर दिया स्वैप, क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, लो प्लस प्लस, तो लो कहां आ जाएगा, लो आ जाएगा आपका 3 पे, और हाई आ जाएगा आपका माइनस माइनस हो के 1 पे। अब दोबारा से चेक करो, दोबारा से चेक करो, दोबारा से चेक करो, तो दोबारा से चेक करा, तो आपने क्या रखा, लो किस पे आ गया, लो प्लस प्लस हो गया 3 पे आ गया, लेस देन इक्वल्स टू, व्हाइल लूप की बात बता रहा हूँ, और हाई माइनस माइनस हो गया 1 पे आ गया। अब चेक करा, लो जो है हाई से छोटा है, लो क्या है, 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 3 1 से बराबर या छोटा है, नहीं, ये क्या आ जाएगा, नो। जब हमारा ये नो आ गया, इसका मतलब है व्हाइल लूप से बाहर आ गए और हमारा रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो गीक्स का रिवर्स क्या आएगा, एस के ई जी, वही आ रहा है एस के ई जी। तो दो पॉइंट अप्रोच से हमने 2 पॉइंट अप्रोच से कर दिया, कैसे, लो रखा इनिशियली 0 पे, हाई रखा यहाँ पर, तो जब तक वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब लो पॉइंटर जब तक हाई पॉइंटर से बराबर या छोटा नहीं आ जाता, हम स्वैप करते रहेंगे और लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और हाई पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते रहेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, एक मैंने 2 पॉइंटर लिया, तो मैंने 2 पॉइंटर लिए, 2 पॉइंटर लिए मैंने, तो एक पॉइंटर लिया मैंने लो, जो कि मेरा इनिशियली 0 पे है, दूसरा पॉइंटर लिया मैंने हाई, हाई जो कि मेरा कहाँ है, स्ट्रिंग n क्या था, स्ट्रिंग का साइज, विच मीन्स n, n क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने स्ट्रिंग में, 5, तो 5 है, और ये क्या जाएगा, n माइनस के 1, विच मीन्स आप किस इंडेक्स की बात कर रहे हो, आप इंडेक्स नंबर 4 पे हो, क्योंकि मैंने बताया था ना हाई इंडेक्स नंबर 4 पे, लो इंडेक्स नंबर 0 पे, तो ये तो हमारे, हमें सबको समझ आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने कहा वाइल, जब तक हमारा वाइल, यानी कि वाइल जब तक हमारा लो जो है लेस देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक हमारा लो जो है लेस देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक क्या होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, जस्ट सिंपली स्वैप कर दो, किसको स्वैप करो, एस ऑफ लो को, ठीक है, किससे स्वैप करो, किससे स्वैप करो, एस ऑफ हाई से, ये आपको स्पेस से, स्पेस इसलिए लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको क्लियर यहां समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है ना, एस ऑफ हाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, लो प्लस प्लस होगा हर एक पॉइंट पे और हाई माइनस माइनस होगा, और किसी पॉइंट पे जब लो पॉइंटर हाई पॉइंटर को रीच करके आगे बढ़ जाएगा, जैसे हमने इस केस में देखा था, लो पॉइंटर आ गया था 3 और हाई पॉइंटर आ गया था 1, जो कि गलत है, व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक लो पॉइंटर छोटा या बराबर हाई पॉइंटर के, तो व्हाइल लूप से आप भरा जाओगे और उसके बाद क्या कर दोगे, रिटर्न अपनी स्ट्रिंग कर दोगे जो आपकी स्ट्रिंग होगी, और रिटर्न जो है स्ट्रिंग जब आप रिवर्स करोगे, तो जब आप रिटर्न करोगे स्ट्रिंग, तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स होकर आ जाएगी, जो कि ये हमें मिल गई,
तो जब हम इसको रन कंपाइल एंड रन करते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं कि हम सही हैं, क्या हम सही हैं, तो वो चीज देख लेंगे एक बार कि हम सही हैं गलत हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एरर आ रही है, वो चीज देखते हैं क्या एरर है इसमें। अच्छा ये एस, मैंने एस लिख दिया, ये एस टी आर है, एस टी आर, एस टी आर। इसको फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या चीज जो हमने अभी की है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो देखिए बिल्कुल सही है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि बिल्कुल सही है नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच कुछ भी नहीं, जो मैंने आपको बताया था, मेरे पास एक स्ट्रिंग है गीक्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लो जा रहा हाफ तक, हाई जा रहा हाफ तक, तो एन बाय टू वही एन आ जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये गीक्स लिखा हुआ है। अगर मैं गीक्स लिखा हुआ है, अगर मैं यहां से, अगर मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां से एस से ट्रेवर्स करूं इस स्ट्रिंग को, तो मुझे पूरी रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। कैसे? पहले एस आएगा, फिर के आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर जे आएगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिवर्स होके मिल जाएगी। कैसे? तो दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच ये है कि एक मैंने लिया, एक ये टू पॉइंट हटा देता हूं मैं, एक मैंने लिया एक स्ट्रिंग, एक लिया मैंने एक स्ट्रिंग जिसका नाम रखा मैंने आंसर, ठीक है ना, एक रखा मैंने स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। मैंने क्या करा? फोर इंट, मैं कहां से चल रहा हूं? मैंने आपको बताया था मैं लास्ट से चल रहा हूं, मतलब फोर से, फोर से, तो मतलब n माइनस वन से चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि n की वैल्यू तो फाइव है। तो i इज इक्वल टू n माइनस वन से लेकर कहां तक जा रहा हूं? मुझे कहां तक जाना है? जीरो तक जाना है, विच मीन्स i ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक चलना है, और देन i माइनस माइनस हो रहा है। क्यों i माइनस माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, डिक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद आंसर डॉट पुश बैक में क्या हो जाएगा? आंसर डॉट पुश बैक में क्या हो जाएगा? आपका एस टी आर ऑफ आई, जो भी स्ट्रिंग के करेक्टर है लास्ट में, वो आंसर में पुश होते चले जाएंगे, एड होते चले जाएंगे, एंड देन जब आपका पूरा ट्रेवल्स हो जाएगा, उसके बाद आप अपना रिटर्न आंसर कर दोगे। देखते हैं कंपाइल एंड रन करके ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि ये बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं सबमिट करता हूं तो देखते हैं क्या आता है, बिल्कुल सबमिट करके भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो मेरा दूसरा अप्रोच बताने का यही था कि सिंपली अगर आप बैक से ट्रेवर्स करेंगे और आंसर में पुश करते चले जाएंगे स्ट्रिंग के करेक्टर, तो आपका रिजल्ट, आपका जो रिवर्स है वो स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी, क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो टू पॉइंट अप्रोच और इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, क्योंकि हम पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये पूरा हो गया, बहुत सही। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर सुना हो या नहीं सुना फिर कोई बात नहीं, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या चीज होती है पहले तो ये बताओ। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ये चीज होती है कि आपके पास कोई है, सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि है ए बी बी ए। अब आप इसको अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर मैं रिवर्स करता हूं तो क्या आएगा? पहले ए आ जाएगा, कौन सा है? ये वाला ए। उसके बाद ये वाला भी आ जाएगा, कौन सा? ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी आ जाएगा जो वन पे पड़ा है। उसके बाद ये आ जाएगा, अरे यार ऊपर वाला जो लिखा हुआ है मेरा ए बी बी ए, इसको रिवर्स करूंगा तो पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, तो वही लिखा ए बी बी ए, रिवर्स करके लिख दिया। अगर मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी मेरी ये वाली जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ठीक है, और जो मेरी रिवर्स करके स्ट्रिंग आई है ये वाली, अगर ये दोनों सेम है, विच मीन्स मेरा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, समझे? क्या कहा मैंने? मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ये वाली जिसमें पड़ा हुआ था ए बी बी ए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने जो अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको रिवर्स करा, रिवर्स करके क्या आएगा? पहले ए देन बी देन बी देन ए, रिवर्स करके आ गया। अब मैं देखूंगा जो मेरी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो मेरी रिवर्स करके स्ट्रिंग आई है ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो मेरा स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है, समझ गए ना? क्या कहा मैंने कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसका रिवर्स अगर दोनों का सेम है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग ये ए बी बी है, उसका रिवर्स करोगे ए बी बी आएगा, तो दोनों सेम है, विच मीन्स वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होंगी, ठीक है। इतना में आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं है। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की एक खास बात होती है, क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने यहां पर ले लिया, ये मैं ले रहा हूं यहां पर टू पॉइंटर अप्रोच, ये मैं ले रहा हूं, ये रेड पेन ले लेता हूं यहां पर, एक मैंने लिया लो, एक मैंने लिया ये लो ले लिया जो कि मैंने रखा जीरो पे, लो ले लिया मैंने, ये रखा जीरो पे, ध्यान सुनना, लो रखा ये मैंने रखा जीरो पे, ठीक है। एक मैंने रखा हाई, एक मैंने रखा हाई, एक मैंने हाई रखा जो कि इस पे साइज माइनस वन, विच मीन्स अभी किस पे पड़ा हुआ है? थ्री पे पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज आप देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पैलिंड्रोम। मैंने कहा ये मैं हटा देता हूँ ये दिस, ठीक है। मैंने क्या करा, जब तक मेरा जो लो है वो लेस देन इक्वल्स टू हाई नहीं आ जाता जब तक मैं चलूंगा, ठीक है। एक सी तो इसमें करना क्या, पहला पॉइंट क्या है, ये कब तक चलेगा व्हाइल लूप, जब तक लो जो है, लो पॉइंटर जो है हाई के बराबर या छोटा है, वो लो जो पॉइंटर जो है हाई से छोटा है और उसके बराबर है, जब तक ही चलेगा। तो मैंने क्या करा, अगर आपको किसी पॉइंट पे, अगर आपको किसी पॉइंट पे क्या होता है, अगर आपका किसी पॉइंट पे एस ऑफ लो नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू किसके, एस ऑफ हाई के आ जाता है, तो आप कह दोगे नॉट पैलिंड्रोम। अगर किसी पॉइंट पे आपको पता चल जाता है कि एस ऑफ लो एस ऑफ हाई के बराबर नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। एल्स आप व्हाइल लूप से बाहर आ गए, व्हाइल लूप से बाहर आ गए। डेट मींस क्या, डेट मींस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। मैंने क्या कहा, मैंने कहा व्हाइल लूप चलाओगे जब तक लो पॉइंटर जो है हाई पॉइंटर से छोटा या बराबर है। अगर इस बीच मेरा एस लो एस हाई के बराबर नहीं होता किसी भी पॉइंट पे, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। बट आप व्हाइल लूप से बाहर आ गए, ठीक है, दैट मींस आपका जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, ये चीज समझ लेना। अब कैसे करते हैं, अब समझते हैं इस चीज को, क्या कहा मैंने, लो पॉइंटर किस पे है, जीरो पे है, मैं लो पॉइंटर किस पे है, हाई पॉइंटर किस पे है, थ्री पे। अब हम देखते हैं कैसे हम इस चीज को करते हैं, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं मैं ये वाला पिंक, ठीक है। तो मेरा व्हाइल लो किस पे है, लो मेरा जीरो पे है, लो किस पे है, जीरो पे है, जीरो पे है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू मेरा हाई किस पे, हाई मेरा थ्री पे, हाई किस पे, थ्री पे। अब मैंने क्या करा, एस लो और एस हाई को देखो, एस लो क्या है, एस लो तो जीरो पे, एस जीरो क्या है, एस जीरो देखो सबसे पहले, एस जीरो पे क्या स्टोर है, एस जीरो पे आपका ए स्टोर है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा एस ऑफ हाई, हाई की वैल्यू क्या है, थ्री, तो एस थ्री पे क्या स्टोर है, एस थ्री पे क्या स्टोर है यार, एस थ्री पे भी ए स्टोर है। अब आपने देखा एस लो और एस ऑफ हाई बराबर है, ठीक है। कोई नोट पैलिंड्रोम कब करना है, जब एस लो और एस हाई बराबर नहीं है, तो एस लो और एस हाई बराबर है, यस, ठीक है। एक चीज और मैं लिखना भूल गया, उसके बाद करना क्या था, लो प्लस प्लस करना है, हाई माइनस माइनस करना है, ठीक है ना, व्हाइल लूप में चल रहे हो तो लो प्लस प्लस हाई माइनस माइनस करना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, समझिए एस लो क्या है, ए, एस हाई क्या है, ए, दोनों बराबर है, यस। उसके बाद क्या कर दोगे आप, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट यहां लिख देता हूं मैं, उसके बाद क्या कर दोगे आप, उसके बाद लो प्लस प्लस हर केस में हाई माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या हो गया होगा हमारा, अब हमारा जो ये है लो, ये हटके क्या आ गया होगा, लो हटके आ गया होगा यहाँ पर और हाई हटके डिक्रीमेंट हो गया होगा, हाई हटके यहाँ पर आ गया होगा इस पे टू पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने फिर से देखा लो किस पे है, लो इंक्रीमेंट होके आ गया वन पे, लेस देन इक्वल्स टू हाई डिक्रीमेंट होके आ गया टू पे। तो एस ऑफ वन पे क्या स्टोर है, एस ऑफ वन पे स्टोर है एस ऑफ टू, हाई तो टू पे रखा हुआ है, एस ऑफ टू पे क्या स्टोर है, बी। तो एस ऑफ लो और एस ऑफ हाई सेम है, यस, बी और बी सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लो प्लस प्लस कर दो और हाई माइनस माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आपने लो प्लस प्लस करा, हाई माइनस माइनस करा, तो लो किस पे आ गया, इंडेक्स टू पे आ गया, सॉरी, ये आपने क्या करा, मैं ये ले लेता हूं और मैं ले लेता हूं ब्लैक पेन। लो किस पे था आपका, वन पे था, लो किस पे था आपका, वन पे था। तो जब आपने वन को इंक्रीमेंट करा तो क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा यहाँ पर, या आपका आगे लो। हाई किस पे था आपका, टू पे था, तो टू डिक्रीमेंट करोगे हाई को, तो हाई किस पे आ जाएगा आपका वन पे। ये क्या हो गया आपका हाई, मैं लिख देता हूँ ये वाले पेन से, विच मीन्स हाई तो आ गया मेरा वन पे, ये रहा हाई, हाई मेरा यहाँ पर है वन पे, और मेरा लो आ गया टू पे, ठीक है। फिर से कंडीशन मैंने चेक करी। अब लो कितना है, लो इंक्रीमेंट होके टू हो गया था, लेस देन इक्वल्स टू हाई डिक्रीमेंट होके टू से वन हो गया था, तो टू जो है वन से बराबर या छोटा है, नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, नो, व्हाइल लूप से आप बाहर आ जाओगे, लूप से बाहर आ गए, यस। और आपने देखा जब आप लूप से बाहर आ गए, तो आप बिना सोचे समझे कह दोगे हाँ, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है,
विच मीन्स ये वाली जो स्ट्रिंग है आपकी वो क्या है, ये वाली जो स्ट्रिंग है आपकी पैलेंड्रोम स्ट्रिंग होगी। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा हूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, जैसे मैं ले रहा हूं ये वाला, मैं समझिए कि यार मेरे पास ये था, मेरे पास ये, मैं इसको हटा देता हूं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग था ये, इसको मैं हटा देता हूं जिससे आपको बिल्कुल सारी चीज अच्छे से समझ आ जाए। इसको भूल जाओ कि ये कुछ लिखा था मैंने, ठीक है ना, इसको भूल जाओ कि मैंने कुछ चीज लिखा था। ये दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास 0, 1, 2 है, ठीक है, और यहाँ ए बी की जगह, ए बी की जगह यहाँ लिखा हुआ है ए बी और सी, ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी। अब हमने पूछा यार ए बी सी पैलिंड्रोम है, नहीं है क्यों, अगर ए बी सी का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, सी बी ए। तो ए बी सी और सी बी ए सेम है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ए बी सी, इसका अगर रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, सी बी ए। तो ए बी सी और सी बी ए स्ट्रिंग सेम है, नहीं, अगर सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम कौन सी होती है कि भाई आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो रिवर्स स्ट्रिंग है दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होंगी, ठीक है ना। तो अब आप इसको इसमें देखते हैं हम, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं ऐसे जिससे सही हो जाए। अब लो पॉइंटर किस पे, लो पॉइंटर 0 पे है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू हाई पॉइंटर किस पे, लास्ट इंडेक्स पे यानी 2 पे, तो 0 इज लेस देन 2, यस। अब हम चेक करेंगे एस ऑफ 0 यानी एस ऑफ लो क्या, एस ऑफ लो पे लिखा हुआ है ए, एस ऑफ हाई क्या, एस ऑफ हाई है 2, ठीक है। तो एस ऑफ 2 पे क्या लिखा हुआ है, सी, ठीक है। अब आपने देखा कि एस ऑफ लो और एस ऑफ हाई सेम है, नहीं, ए जो है नॉट इक्वल्स टू सी। तो हमने देखा था किसी पॉइंट पे अगर एस ऑफ लो जो कि ए है और एस ऑफ हाई जो कि सी है दोनों बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू सी, यस, तो स्ट्रिंग क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। तो यहां से रिटर्न कर दोगे, क्या कर दोगे, रिटर्न मार दोगे यहां से कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम कि स्ट्रिंग जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो चीज समझ में आई, बहुत सही। तो हम देखते हैं कैसे का इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, दो पॉइंटर लेने हैं, टू पॉइंटर लेने हैं, कौन कौन से, एक में मुझे सबसे पहले लिखना है साइज, यानी कि एक ये str लिख लो, str स्ट्रिंग है, तो क्या लिखना है, str डॉट साइज के इस स्ट्रिंग का क्या साइज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, दो पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर लिया लो जो कि मेरा है 0 पे, ठीक है, एक पॉइंटर लिया हाई जो कि मेरा है लास्ट इंडेक्स पे यानी कि n माइनस के 1, ठीक है, n माइनस, जैसे स्ट्रिंग ये वाले एग्जांपल से लेते हैं तो 4 करेक्टर है, तो स्ट्रिंग का साइज क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, ये 0 पे और ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया भी था, लो 0 पे और इंडेक्स 3 पे क्या है, हाई है मेरा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो मैंने बताया था वाइल कब तक चलेगा, वाइल जब तक चलेगा जब तक आपका लो पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू हाई नहीं हो जाता, और अगर लो पॉइंटर इसको हाई को रीच कर जाएगा तो आप वाइल लूप्स पार आ जाओगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर किसी पॉइंट पे एस ऑफ लो और एस ऑफ हाई बराबर नहीं होते, अगर किसी पॉइंट पे एस ऑफ लो क्या है, एस ऑफ लो, एस ऑफ लो अगर किसी पॉइंट पे एस ऑफ लो नॉट इक्वल्स टू क्या, एस ऑफ हाई अगर किसी पॉइंट पे ये आ जाता है, किसी पॉइंट पे ये आ जाता है, तो मैं सिंपली यहीं से रिटर्न मार दूंगा। मुझे क्या करना है, ये बूल एक तरीके से बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इंट में है तो क्या मार जाऊंगा, रिटर्न फॉल्स, विच मीन्स ये नहीं है, रिटर्न जीरो, रिटर्न फॉल्स लिख दो, रिटर्न जीरो लिख दो, आपकी मर्जी, मतलब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नहीं है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। और वाइल लूप में हो तो लो प्लस प्लस करते रहोगे और हाई माइनस माइनस करते रहोगे, हाई माइनस माइनस करते रहोगे, ये तो एक कंडीशन है कि अगर वाइल लूप में जैसे आप रन कर रहे हो और दो पॉइंटर को लो को इंक्रीमेंट कर रहे हो और हाई को डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो किसी पॉइंट पे अगर एस ऑफ लो और एस ऑफ हाई सेम नहीं आते तो रिटर्न यहीं से कर दोगे आप, आगे आपको चेक करने की कोई नीड नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। उसके बाद आप वाइल लूप से पूरा अगर बाहर आ जाते हो तो सिंपली आंख मीच के आप रिटर्न कर दोगे, रिटर्न क्या कर दोगे, 1, विच मीन्स रिटर्न ट्रू, कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम है, इसका मतलब ये। इसको जब आप कंपाइल एंड रन करेंगे तो क्या आएगा, कंपाइल एंड रन करेंगे तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो इन्होंने क्या करा, ये str है, सॉरी ये क्या है, str, str है, स्ट्रिंग में s ले लेता हूं हमेशा, ये क्या है, str है। तो इसको अगर आप कंपाइल एंड रन करेंगे तो क्या आएगा वो चीज देख लेते हैं यहाँ पर एक बार कि क्या है, 1 है। इसको जब मैं सबमिट करूंगा तो वो भी चीज देख लेते हैं कि बिल्कुल सही आ रहा है या कोई इसमें कुछ एरर आ रहा है किसी भी तरह का। तो इसमें आई थिंक कोई एरर आना नहीं चाहिए आपका, ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा, 10,100 टेस्ट केसेस सारे इसने टेस्ट केसेस पास कर दिए। तो हमने क्या करा, दो पॉइंटर लिए थे लो और हाई, तो लो जब तक हाई से छोटा है जब तक चलेंगे, और अगर किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग ऑफ लो और स्ट्रिंग ऑफ हाई सेम नहीं है तो रिटर्न जीरो, विच मीन्स स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर आप वाइल लूप से बाहर आ जाते हो विच मीन्स स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो आपको रिटर्न 1 मार देना है यहाँ पर सिंपली,
ये कुछ ऐसे था। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ।